हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आपके सामने हाजिर हूँ मैं कल के जेई एडवांस के पेपर वन के सोल्यूशन के साथ। देखिए, रात भर वेट किया था कि पेपर ऑफिशियली आए। सुबह जब मैं उठा 6:30 बजे, तो मैंने देखा पेपर आ चुका था। और अभी क्लासेस के बीच से जस्टिस पेपर को भी मैंने देखा है, पेपर टू भी कोशिश करूंगा शाम तक आपके लेके आए। आइए फटाफट से सेक्शन वन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर्स के बेसिस पे आपको गिवन है स्मॉलेस्ट डिविजन ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर इज 0.1। स्मॉलेस्ट डिविजन आपको 0.1 गिवन है, जिसको यूजुअली आप एस या ए वट एवर यू राइट, दैट एस इज 0.1। 10 डिविजन ऑफ द वर्नियर कॉरेस्पॉन्ड टू द 9 डिविजन ऑफ द मेन स्केल। स्टैंडर्ड चीज है, 10 वी इज 9s, तो वी की वैल्यू हो गई आपकी 9s/10, विच इज 0.09। सो यहाँ से आपको पता है लीस्ट काउंट क्या कहलाता है, और जो वर्नियर कॉन्स्टेंट जिसको आप कहते हो s-1, वो वी दैट वुड बी 0.01 सेंटीमीटर। ये आपका वर्नियर कॉन्स्टेंट यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखिए इसके बाद, द फिगर ऑन द राइट शोज द रीडिंग विद अ सॉलिड स्फीयर बिटवीन द जॉज, और उसके ऊपर लिखा हुआ लेफ्ट वाला वो बताता है जब कोई गैप नहीं रखा था। जब आपने कोई गैप नहीं रखा, वो क्या बताता है आपको, जीरो पोजीशन। तो जीरो पोजीशन से आपकी क्या निकलेगी, जीरो एरर। तो जीरो एरर देखिए यहाँ पे देखते ही समझ आ रहा है, वर्नियर का जीरो मेन के लेफ्ट में है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ आपको ये नहीं देखना कौन सा डिविजन कोइंसाइड कर रहा है, आपको देखना है टोटल में से उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये कौन सा डिवीजन आ रहा है देखिए यहाँ पे, इसको अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 6 डिवीजन है। तो एरर मैं 6 की जगह 4 डिवीजन का बोलूंगा, सो एरर वुड बी -4 × 0.01, दैट इज -0.04 सेंटीमीटर। अब यहाँ रीडिंग आपको दिख रही है, 3.1 को क्रॉस किया है, तो 3.1 + 1 2 3 4, 1 ही को इंसाइड कर रहा था, थोड़ा ढंग से देखिए आप। तो 3.11 ये आपकी रीडिंग आ गई, प्लस ये 3.1 + 0.1, सो दैट मीन्स दिस इज 0.01, सॉरी, सो दैट इज 3.11 सेंटीमीटर। तो 3.11 रीडिंग है, 0.04 का नेगेटिव जीरो एरर है, तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वुड बी 3.15 सेंटीमीटर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। दैट वॉज अ रेगुलर क्वेश्चन, आई थिंक जिनको भी वर्नियर थोड़ा भी आता है तो ईजिली आपने किया होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि शायद सबसे आपके लिए लूट सके तो लूट वाला ऑफर था। आइडियल गैस की 4 स्टेप की साइकिल है, पीवी डायग्राम पे आपको दिखा रखी है। ड्यूरिंग द साइकिल हीट इज अब्जॉर्ब, आपको पता है हीट अब्जॉर्ब कब होगी, फोर्थ प्रोसेस में डेफिनेटली होगी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हीट मिलेगी। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हीट अब्जॉर्ब होगी, जबकि 2 और 3 आपको पता है दोनों के अंदर हीट रिजेक्ट होगी, दोनों में टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, डेल्टा डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा और वर्क भी नेगेटिव होगा। सो स्टेप्स 1 और 4 में हीट अब्जॉर्ब होगी, दैट वॉज एन ईजी वन फॉर यू। नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन, तो ये थर्ड क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, आपको लेंस कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है। आपको गिवन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1 एंड अ कॉन्केव लेंस L2 इज प्लेस 10 सेंटीमीटर बिहाइंड। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आ गया, दूसरा लेंस उसके 10 सेंटीमीटर पीछे है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व्ड सर्फेसिज इन बोथ द लेंसेज आर 20। जितने भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं सब 20 हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टैंडर्ड ग्लास वाला 1.5 है, टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस लेंस की फोकल लेंथ निकालूँ, तो आपको पता है इक्वी कॉन्वेक्स के लिए आप r/2n-1 लिखते हैं, तो 20/2 × 1.5 - 1 लिखोगे, दैट इज 20। और सिमेट्री से इस F2 के लिए निकालोगे तो दैट वुड बी -20, कॉन्केव लेंस है, आर को नेगेटिव सेंस में अपन यहाँ पे देखेंगे। तब सबसे पहले जब भी दो लेंस की प्रॉब्लम होती है, पहले लेंस से इमेज बनाए, दैट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड वन। तो पहले से अगर मैं बनाऊंगा ये 10 है और ये 20 है, मतलब पोलर फोकस के बीच में, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। वो मैंने फॉर्मूला लगाया यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, यू इज -10, एफ इज 20, तो दैट इज -20। तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, लेट से लाइक दिस डबल साइज की इमेज, दिस वुड बी I1। अब ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे है, तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको पता है 20 + 10 = 30 हो जाएगा, तो सेकेंड लेंस के लिए यू की वैल्यू आपकी -30 हो गई। अगेन फॉर्मूला लगाया, आपके पास V2 निकल के आया, विच इज़ -12। तो देखिए पहले वाले में फोकल लेंथ अपन क्या मैग्निफिकेशन लिखते हैं V/U, तो -20/-10 दैट इज +2 मैग्नीफिकेशन आया। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन मैं लिखूंगा 12/30 -12/-30 दैट विल बी 2/5। टोटल मैग्नीफिकेशन M1 × M2 दैट इज 2 × 2/5 विच इज 4/5 0.8। तो अगेन ये भी एक करने लायक क्वेश्चन आपके लिए था। फिर फोर्थ क्वेश्चन इस सेक्शन का लास्ट, एक हैवी न्यूक्लियस क्यू की अर्धायु हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, वो पैरेलल डीके कर रहा है अल्फा और बीटा में, जिसमें अल्फा की 60% प्रोबेबिलिटी है, बीटा की 40% है। इनिशियली क्यू नंबर है 1000, तो नंबर ऑफ अल्फा डीके इज हैपनिंग इन फर्स्ट 1 आवर।
भाई इफेक्टिव हाफ लाइफ आपकी 20 मिनट्स और 1 घंटे की बात की है, 1 घंटा और 20 मिनट्स के हिसाब से इट इज 3 हाफ लाइफ। तो पहले तो ये निकाल लो टोटल कितने टपकेंगे, तो टोटल कितने टपकेंगे, 1000 थे 3 T हाफ के बाद, 1/8 बचेगा, तो 1/8 of 1000 दैट इज 125 बचेंगे। सो टोटल डीकेज आपके हो गए 875। तो टोटल 875 न्यूक्लियस डीके करेंगे, उसमें 60% आपको दिख रहा है अल्फा होंगे, तो 875 × 60/100 दैट विल गिव यू नंबर ऑफ अल्फा डीकेज एंड विच कम्स आउट टू बी 525। तो मुझे लगता है कि चारों के चारों क्वेश्चन करने लायक थे, आप अच्छे रैंक्स के लिए सोच रहे हैं, तो इसमें से एक भी गलत आपका नहीं होना चाहिए। आइए सेक्शन वन के बाद सेक्शन टू, जो स्टेम वाला सेक्शन था, हर पैराग्राफ पे 2 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, और इसको आपको ट्रंकेट राउंड ऑफ वैल्यू टू टू डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे करना था। तो देखिए सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल को आपने पॉइंट ओ पे फेंक से फेंका है ग्राउंड पे, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड विद अ स्पीड ऑफ 5√2। द प्रोजेक्टाइल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट ट्रेजेक्ट्री स्प्लिट्स इंटू टू इक्वल पार्टिकल। तो देखिए हाइएस्ट पॉइंट पे जाके वो 2 पार्टिकल्स में टूट गया। हाइएस्ट पॉइंट पे आपको पता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ स्पीड 0 होता है। अब एक पार्ट सीधा वर्टिकली गिरा है, इसका मतलब उसकी वर्टिकल स्पीड अभी भी 0 है, तो ओवरऑल वर्टिकल स्पीड 0 थी। मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट आप लगाओगे, तो वाई में पहले भी मोमेंटम 0 था, अब एक पार्टिकल का 0 है तो दूसरे का भी 0 होगा, इसका मतलब दूसरे की वेलोसिटी केवल हॉरिजॉन्टली होगी। इसका मतलब दोनों की वर्टिकल स्पीड 0 है, तो दोनों का जो टाइम गिरने का होगा वो आपको पता है सेम होगा, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। तो इन्होंने बोला है वन पार्ट वर्टिकली गिरा और आधे सेकंड के बाद ग्राउंड पे जाके टक टपका, डेफिनेटली सेकंड वाला भी आधे पे जाके टपकेगा। द अदर पार्ट टी सेकेंड्स आफ्टर द स्प्लिटिंग, तो टी आपको पता है वो सेम ही होगा 0.5 सेकेंड, एक पार्ट तो आपका फ्री में हो गया। नाउ अब वो एक्स डिस्टेंस पे गिरा है, तो एक्स डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे आपको पता है क्योंकि दोनों साथ साथ गिरे हैं और ये टाइम वही होगा कि ओरिजिनली नहीं फूटता, तो जहाँ पे वो पूरा पार्टिकल जाता तो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जिस लोकेशन पे होता था रेंज पे वहीं पे होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इस ओरिजिनल को अपन वो बॉडी माने, उसके 2 पार्ट्स हुए हैं, तो दोनों भी ऐसे गिरेंगे कि अल्टीमेटली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी द रेंज। तो रेंज ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का, एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट एक्स वन आपको दिख रहा है यहीं गिर गया आधे पे, तो दैट इज गोइंग टू बी R/2। टोटल रेंज आर होनी है, तो दूसरा डेफिनेटली आर से ज्यादा जाना है। तो क्या लिखेंगे अपन, M1x1 + M2x2 over M1 + M2 is R। अब दोनों का मास सेम है तो मासेस कैंसिल हो जाएंगे, सो इट बिकम्स X1 + X2/2 = R, दैट मीन्स X1 + X2 = 2R। अब X1 की वैल्यू R/2 है, तो X2 की वैल्यू आपके लिए क्लियर कट हो गई, 2R - R/2 विच इज 3R/2। और क्योंकि 45 डिग्री पे फेंका है, आपको पता है 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है कितनी होती है, U²/G, तो 3R/2 × U²/G, 5√2 का होल स्क्वायर करोगे दैट इज 50, 50/10 दैट इज 5, 5 × 3/2 दैट इज गोइंग टू बी 7.5 मीटर्स। ऑब्जेक्ट कहाँ गिरेगा, 7.5 मीटर पे, पहला पार्टिकल गिरा 2.5 मीटर पे, दोनों का कॉम्बो लोगे तो सेंटर ऑफ मास अभी भी ओरिजिनल रेंज 5 मीटर पे जाके ही गिरेगा। आइए अगला RC सर्किट का प्यारा सा प्रश्न। इस सर्किट में सर्किट एस के स्विच एस पहले पी पोजीशन पे कनेक्टेड था, ऐसे मतलब ये कनेक्शन था, बहुत देर हो चुकी है, तो बहुत देर हो गई तो आपको पता है भाई इफेक्टिवली क्या होगा, ये 1 वोल्ट ऐसे दिखाते हैं, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये सर्किट है आपका और ये आपका 1 माइक्रोफेरेड। तो बहुत देर हो जाती है तो आपको पता है कैपेसिटर बेचारा कोई करंट नहीं लेता, कैपेसिटर बेचारा कोई करंट नहीं लेता, तो सर्किट में जो भी करंट है एक ही लूप है, 1 ओम 2 ओम। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राउंडेड मान के 0 लिखूँ तो यहाँ हो गया 1 वोल्ट, यहाँ 0, ये 2 वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 2 वोल्ट। तो ओवरऑल इन दोनों पे सेम करंट है और दोनों पे मिला के पोटेंशियल ड्रॉप 1 वोल्ट आना है। अब दोनों पे मिला के 1 वोल्ट आना है और इफेक्टिवली सीरीज में है, तो 2 ओम पे 2/3 वोल्ट आएगा, 1 ओम पे 1/3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ आपको दिख गया ये पोटेंशियल आएगा 4/3। अगर मैं इस कैपेसिटर को देखूँ, एक एंड 0 पे है, एक एंड 4/3 वोल्ट पे है, तो इस कैपेसिटर पे अभी पोटेंशियल 4/3 वोल्ट है, तो अभी इस पे चार्ज कितना होगा, Q = CV, सो 4/3 × 1 दैट इज 4/3 माइक्रोकूलम्स। ये पहला पार्ट हुआ। अब स्विच को P से हटा के Q पे डाल दिया गया, तो यहाँ ये P से हटा के मैंने इसको Q से कनेक्ट कर दिया। बहुत देर हो गई, अब बहुत देर वापस हो गई तो कैपेसिटर में तो चार्ज जाएगा नहीं, आप समझदार हो। अब फोटो ऐसे बनेगी, ये तो शॉर्ट मान लें इधर से, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये 2 वोल्ट है, यही करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर तो कुछ कर नहीं रहा बेचारा लास्ट में, तो अब दोनों पे मिला के 2 वोल्ट का ड्रॉप है, तो अगेन इस पे 4/3 वोल्ट का ड्रॉप होगा और इस 1 ओम पे होगा 2/3 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पे जितना ड्रॉप होगा वही ड्रॉप आपके कैपेसिटर पे होगा, तो कैपेसिटर पे अब पोटेंशियल वही होगा जो 1 ओम पे है, इफेक्टिवली दोनों पैरेलल में है, तो अब उस पे 2/3 वोल्ट का ड्रॉप है, तो Q2 क्या हो जाएगा, 2/3 वोल्ट इंटू 1 दैट वुड बी इक्वल टू 2/3 माइक्रो कूलम।
माइक्रोफेरेड से मल्टीप्लाई किया वोल्टेज को, तो पहले उस पर 4/3 माइक्रोकुलम्स चार्ज था, अब 2/3 माइक्रोकुलम्स चार्ज है। अब ये आंसर आपके लिए हो गया, Q1 is 4/3 माइक्रोकुलम्स। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 यहाँ पे लिखना था, माइक्रोकुलम्स में लिखना था 4/3, तो आप इसको लिखोगे 1.33 और Q2 को लिखोगे 0.67, टू डिजिट्स में मुझे अगर डेसिमल के बाद राउंड ऑफ करना है। दैट वुड बी माई आंसर्स। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दो पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव क्यू है, एक पॉजिटिव क्यू बाय रूट थ्री, एक्स वाई प्लेन में रखा है, एक ओरिजिन पे 0.0 पे, एक 2.0 पे। अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रेडियस आर और पोटेंशियल वी इक्वल टू जीरो का एक्स वाई प्लेन में आता है, जिसके सेंटर वी कॉमा जीरो है, तो भाई पोटेंशियल जीरो जहाँ पे भी होगा मुझे पता है दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो कोई भी रैंडम पॉइंट मैंने लिया, लेट्स से कोई भी रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई लिया, इससे जो डिस्टेंस होगा वो क्या लिखूंगा मैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इससे अगर डिस्टेंस देखूंगा तो दैट वुड बी एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दिए। तो यहाँ मैंने लिखा इससे पोटेंशियल के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उससे पोटेंशियल के क्यू बाय रूट थ्री इंटू अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, आप मैथ्स के विद्यार्थी हैं, ये कर करा के इक्वेशन आपकी बनती है एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू थ्री, तो रेडियस इज रूट थ्री एंड द सेंटर कोऑर्डिनेट इज थ्री, द वैल्यू ऑफ बी, सेंटर को बी बोला था तो थ्री हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ आर इज रूट थ्री, रूट थ्री को आप 1.73 पुट कर सकेंगे। दैट वुड बी द आंसर हियर। नेक्स्ट, ये हुआ आपका सेक्शन 2 बी निपटा स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस का। चलिए, तो यही सबसे भयानक सेक्शन जो होता है, यहाँ नेगेटिव 2 मार्किंग्स भी थी, याद रखिएगा। आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न ही रोटेशन का, रोलिंग का प्रश्न है। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने सेंटर ऑफ मास पे लगा दी एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के, जिसका मास है मैं रेडियस आर है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एज गिवन इन द फिगर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में म्यू है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, गिवन ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखिए, जब भी प्योर रोलिंग कर रहा है तो मैं डायरेक्टली इस पॉइंट के अबाउट वो अल्फा लिख सकता हूँ, वो और वो सेम ही आता है, तो आई ए ओ आर जिसको आप कहते हो, तो यहाँ पे इसका जो टॉर्क है आप डायरेक्ट लिखोगे एफ आर, दैट इज इक्वल टू आई पी इंटू अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन में आप देखोगे सॉलिड या हॉलो की बात करता है, अगर ये सॉलिड होगा तो आई पी कितना होगा, सॉलिड के केस में आपको पता है आई पी क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर से शिफ्ट करोगे तो दैट इज 3/2 एम आर स्क्वायर, और अगर ये हॉलो होता तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज 2 एम आर स्क्वायर। तो अभी मैं सॉलिड मान के देखूँ तो एफ आर को मैंने 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा लिखा, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 FR अपॉन 3 MR², दिस इज अल्फा व्हेन इट इज सॉलिड, अगर ये सॉलिड है तो, ठीक है। तो फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डजेंट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो, बेटा ये तो डिपेंड कर जाएगा क्योंकि अल्फा ही डिपेंड कर रहा है, एक में अल्फा ये आएगा, दूसरा केस अगर लोगे तो अलग आ जाएगा, हॉलो के अंदर देखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3/2 की जगह आप 2 MR² लिखोगे, बेटा वो एफ आर अपॉन 2 MR² हो जाएगा, दैट इज एफ अपॉन 2 MR आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू डिफर करेगी तो ए इक्वल टू अल्फा आर भी डिफर करेगा, तो पहला तो गलत है। सॉलिड सिलेंडर के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, तो देखिए ये अल्फा तो आपने बोल दिया, अल्फा आपने बोल दिया, बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाऊँ तो एफ का टॉर्क तो है नहीं, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसको अगर आगे जाना है तो ये फ्रिक्शन ही पीछे टॉर्क लगाएगा, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा क्या लिखोगे आप एफ आर, तो एफ आर वुड बी इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा, तो सॉलिड मानो तो एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, अल्फा को उधर से लिखा, और ये वैल्यू मुझे पता है फ्रिक्शन की जब भी वैल्यू होती है स्टैटिक लग रही होगी प्योर रोलिंग है तो लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आती है F should be less than equal to 3 μmg, और F के लिए जब मैं अल्फा निकालता हूँ तो अल्फा की मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जैसे ही मैंने 3 μmg लिखा तो M और M कैंसिल होके ये वैल्यू 3 और 3 कैंसिल होके ये आ जाएगा आपके पास, दिस वुड बी व्हाट वी विल से 2g/r, अल्फा मैक्स 2g/r आएगा तो ए मैक्स आपका इंटू म्यू सॉरी तो वो अपने आप 2 μg निकल के आ जाएगा, आपको ये सीधा सीधा समझ आ रहा है अल्फा मैक्स 2 μg/r आ रहा है तो ए मैक्स यही होगा सॉलिड के लिए, तो बी ऑप्शन सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आपको बताया बेटा वो डायनेमिक होती है, वो म्यू एम जी लगेगा या उससे कम लगेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हमेशा म्यू एम जी लगेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। और थिन के लिए आपको बताया, थिन के लिए क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपको बताया एफ अपॉन 2 MR, एफ अपॉन 2 MR, तो ए सी एम क्या हो जाएगा एफ बाय 2 M, ये आपको पता है, ये भी सही आएगा, तो बी और डी दोनों सही हैं, ए और सी गलत हैं। रोलिंग का एक प्यारा सा अच्छा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, बट टफ नहीं बोलेंगे अगर आपने वो चरखी वाले और दूसरे प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। फिर देखिए,
एक वाइड स्लैब है, दो मीडियम्स हैं एन वन एन टू, फिर एयर गिवन है, ऐसे दिखा रखा है। एन वन टू एन टू पे थीटा एंगल पे आया है, साइन थीटा की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन वन बाय एन वन है। एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, अगर ये एन वन और एयर होता, यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो क्रिटिकल एंगल निकलता, ये जो क्रिटिकल एंगल निकलता वो साइन थीटा सी होता वन बाय एन वन। अभी ये जो साइन थीटा है इससे ज़्यादा है, इसका मतलब इसके और एयर के लिए टी आई आर होगा, तो एन वन टू एयर जाने के लिए यहाँ पर जा नहीं पाएगा, टी आई आर होगा। और जब भी ऐसे टी आई आर होता है तो बीच में कोई और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एयर में कभी नहीं जा पाएगा, क्योंकि पैरेलल स्लैब्स में आप डायरेक्ट टेन साइन थीटा कांस्टेंट बोलते हैं। तो इतना मुझे क्लियर है, एयर में किसी हालत में नहीं जाएगा, एन टू की वैल्यू कुछ भी हो, अल्टीमेटली एयर वाले साइड पे तो इसका टी आई आर होके ही रहेगा। अब देखिए क्या ऑप्शन है, लाइट रे एंटर्स एयर, एंटर एयर तो कभी नहीं करेगी, एन टू को कुछ भी कर लेना आप, वो एयर में कभी नहीं जाने वाली। लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक, वो तो होनी है, इफ एन टू इज लेस देन एन वन तो भी होनी है, एन टू ग्रेटर देन एन वन है तब भी होनी है, और अगर इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द मीडियम इफ एन टू इज वन, एन टू ही एयर हो गया, एन टू वन का मतलब एन टू ही एयर हो गया, तो वहीं से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर यही एयर हो गया तब तो यहीं से टी आई आर हो जाएगा, वरना कुछ भी हो अल्टीमेटली ये डेंसर हो रेयरर हो, अगर ये रेयरर होता है एन टू तो यहाँ जाके जो देखे ये आपका होता, अगर डेंसर होता तो भी कुछ भी हो एयर वाले पे तो टी आई आर होना ही होना था, और अगर एन टू ही एयर हो जाता तो फिर यहीं पे टी आई आर हो जाता। तो आपके बी सी डी तीनों ऑप्शन यहाँ पर उचित नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं एक बार वापस ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ये कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं आएगी। फिर वापस से रोटेशन देखिए, जेई वालों को रोटेशन मल्टीपल करेक्ट मतलब मज़ा ही आता है, बच्चों की जान लेने में मज़ा है ही। देखिए एक पार्टिकल है 0.2 kg का, रेस्ट पे एक्स वाई प्लेन में एट अ कोऑर्डिनेट माइनस एल कॉमा माइनस एच, अगर मैं फोटो बनाऊं तो यहाँ पे कहीं है माइनस एल कॉमा माइनस एच, एल की वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ से 10 मीटर पे है, यहाँ से ये 1 मीटर पे है, ठीक है। द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एट टी इक्वल टू जीरो विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 10 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, जो भी एक्सेलरेशन है भैया आगे की तरफ है तो फोर्स भी आगे पॉजिटिव एक्स की तरफ लग रहा है। इट्स एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन एसआई यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय एल एंड टॉ, आई जे के आपके वही यूनिट वेक्टर्स हैं, के क्या आई क्रॉस जे क्या, वही राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आपको बताना है पार्टिकल प्लस एल कॉमा माइनस एच पे कब आएगा, तो प्लस एल कॉमा माइनस एच मतलब यहाँ पे आना, ये 10 से 10, इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक्स में 20 मीटर होगा, इनिशियल स्पीड 0 है तो दैट इज हाफ 80 स्क्वायर, ए की वैल्यू आपको गिवन है 10, सो आप कैंसिल करोगे इसको तो ये 224, तो टी की वैल्यू अंडर रूट 4 दैट इज 2 सेकेंड्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर जब ये एल कॉमा माइनस एच पे आया है, इस पॉइंट पे ये एल कॉमा माइनस एच, तो आपको पता है फोर्स इधर लग रहा है, तो टॉर्क आप देखोगे आर वेक्टर इधर आएगा, आर क्रॉस एफ हाथ घुमा के देख लो ऊपर आ रहा है, मतलब के कैप आएगा, डायरेक्शन तो आ गया। और मैग्नीट्यूड के लिए आर वेक्टर पूरा नहीं चाहिए अपने को, केवल उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज एक्स कोऑर्डिनेट नहीं वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, जिसकी वैल्यू 1 × f मैग्नीट्यूड में होगी, f की वैल्यू ma होगी, m कितना गिवन था 0.2, एक्सेलरेशन 10 है तो 0.2 × 10 दैट इज 2, तो 2 kcap यहाँ पे टॉर्क पे आर से लिख के आप बोल सकते, कोई इसमें भी जोड़ नहीं आ रहा। अब एंगुलर मोमेंटम इसी पॉइंट पे अगर पूछ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में आर क्रॉस पी होगा, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, डायरेक्शन तो kcap ही रहेगा, एफ की जगह एम वी लेना है, 2 सेकंड हो चुके हैं, 10 का एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी 20 हो गई, 20 × 0.2, 20 × 0.2 अगर आप करोगे 20 × 0.2 4 हो गया, और डायरेक्शन kcap है तो 4 kcap ये भी सही है, तो ये आपके डायरेक्शन यहाँ पे आ गए। फिर बोला गया है 0 कॉमा माइनस एच, मतलब जब ये यहाँ पे है इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है, ये वाई कोऑर्डिनेट इधर है, ये वाई कोऑर्डिनेट 1 था, और ये एफ जो है एफ आपको पता है कितना था 0.2 × 10 दैट इज 2, ये 2 आएगा, 2 kcap, kcap नहीं आएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। ए बी सी तीन ऑप्शन यहाँ पे आपके बिल्कुल सही नजर आ रहे हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर, बाल्मर मतलब 2 वाली, लॉन्गेस्ट कब होगी 3 से 2 में, मिनिमम कब होगी इन्फिनिटी से, यहाँ पे तो मिनिमम के लिए इन्फिनिटी लेके आर बाय 4 1 बाय लैम्डा आया, 1 बाय लैम्डा मैक्स यहाँ से 5 r/36 आया, दोनों का रेशियो लिया 9/5, पहला सही है। देर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस, आपको होता है बाल्मर पार्श्विकल में कहीं ओवरलैप नहीं होता। फिर द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन बाय दिस, इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे, नीचे मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है, ये ऐसा नहीं आता, ये 1 + 1/m² की जगह वो ये m² - 1 जैसी कुछ चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती, ये इस फॉर्म में यहाँ पर नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट फॉर्म ये निकलेगा जो मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ओवरलैप यहाँ पे लाइमन बाल्मर में भी नहीं होता, आपको पता है कहीं कोई ओवरलैपिंग यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं बेटा यहाँ पे, ए और डी ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट ये आपका एक ईएमआई का प्रश्न है,
लॉन्ग सीधा वायर 2 एम्पियर का करंट है, दो रेल्स लगा दी है, उस पर आपका सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एंड्स 1 और 4 सेंटीमीटर पे हैं, रॉड्स चार्ट 3 से हुई है। तो पहली चीज़ आपको पता है कुछ भी हो यहाँ पे, इफेक्टिवली आप यहाँ पे जब देखोगे, जब सॉल्व करोगे ऐसे, अगर आप देखो यहाँ पे इसका बी, या वो जो अपन बोलते हैं वी क्रॉस बी डॉट डी एल करते हैं, तो आपको इफेक्टिवली पता है कि इसकी जगह ये लेंगे तो भी आपका जो इफेक्टिव रिजल्ट आना है वो सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रॉड टाइप मान लिया जाए अपना, और यहाँ पे क्योंकि बी चेंज हो रही है तो मुझे छोटे छोटे जगह पे जाके डी लिखना पड़ेगा, बी वी डी एक्स करके। सो बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स वी डी एक्स, और लिमिट फ्रॉम ए टू बी विच इज 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड तरीके आप करते हैं। ये आप सॉल्व करोगे तो ई एम एफ आता है 16.8 × 10⁻⁷ वोल्ट, ये वैल्यू इस तरह से यहाँ पे आपके लिए निकल के आती है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप करते हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर वो तो यूनिफॉर्म फील्ड में होता था, तो यहाँ पे भी जब आप डी एक्स करोगे तो डी एक्स क्रॉस वी करोगे, तो आपको पता है कि डी एक्स का केवल यही कॉम्पोनेंट काम आएगा, और ये करते करते वही आपका केवल यही चीज़ यहाँ पे काम में आने वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, परेशान नहीं हो। अब ये आगे, अब आगे आर सी सर्किट लगा रखा है, आर सी सर्किट में मैक्सिमम करंट ई बाय आर होता है, और मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर पे ई आएगा, तो मैक्सिमम चार्ज उस पर सी ही होगा। सिंपल सा मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, इट वॉज नॉट टफ आई थिंक। नेक्स्ट, एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सुंदर सा क्वेश्चन है, मज़ेदार फ्लूइड्स का क्वेश्चन है। सिलिंड्रिकल ट्यूब है, बेस दिखा रखा है, पानी से भर दिया, मूविंग डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है, 45 डिग्री गिवन है, P1 P2 इन दो पॉइंट्स पे प्रेशर है, बेस पे कोई बीटा फैक्टर डिफाइन किया है, P1 - P2 ओवर रो जी डी, वेर रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डी इज द इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यार नॉर्मली आपको पता है जब सिंपल सी सिचुएशन होती है, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस रो जी एच होता है, बट यहाँ क्या होगा, जब मैं P1 - P2 लिखूंगा रो जी एच तो आ गया, बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जब अपन वो सूडो फोर्स का लॉजिक वगैरह लगाते हैं तो उसके उल्टा जाता है, तो उसका उल्टा जाएगा तो P1 - P2 लिखूंगा तो 2 का ज़्यादा आएगा, तो P1 - P2 में वो नेगेटिव फैक्टर आएगा, और आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस डी होगा, ये डिस्टेंस भी डी होगा, 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस √2 डी होगा, तो इस एक्सेलरेशन के अलॉन्ग √2 डिस्टेंस होगा, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अलॉन्ग डी है, यहाँ पे √2 डी है, तो जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, रो ए इंटू लेंथ दैट इज √2 डी, ये टोटल P1 - P2 होगा। नेगेटिव साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस एक्सेलरेशन के कारण 2 का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ना कि 1 का। अब ये एक्सप्रेशन बन गया, तो यहाँ से P1 - P2 ओवर रो जी डी अगर मैं लिखूँ, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखोगे तो ये 1 - A/√2/G हो जाएगा, क्लियर है। अब देख लीजिए सबसे सस्ता केस यहाँ पे क्या होगा, वैसे भी देखिए अगर आपको याद हो, आपको जो सरफेस बनती है फ्री सरफेस, ये जी लिखते हो, ये -A लिखोगे, देखते ही आपके मन में एक ख्याल आएगा कि अगर यार ये जी का इधर कॉम्पोनेंट G/√2 आता है, अगर ए की वैल्यू G/√2 हुई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस लाइन के अलॉन्ग फ्री सरफेस आएगा, तो कोई भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा, तो प्रेशर डिफरेंस विल बी जीरो, और बीटा विल बी जीरो इफ ए इज इक्वल टू G/√2, जो यहाँ से भी आ रहा है इस एक्सप्रेशन से, सो बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज इक्वल टू G/√2। बाकी एक्सप्रेशन के लिए मैंने ये निकाल ही दिया है। अब ए को अगर G/2 पुट कर दो, ए को अगर G/2 पुट करोगे तो दिस विल बिकम 1 - √2/2, और इसको जब जुगाड़ पछाड़ करोगे तो एक और ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये ए और सी ऑप्शन यहाँ पर देखने को, क्लियर बेटा। एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा स्मार्टली करो तो ये भी बन सकता है आपके लिए, ये आपका सेक्शन 3 भी पूरा निपट गया। आइए आखिरी सेक्शन, अब यहाँ देखिए अल्फा पार्टिकल है, डबली चार्ज होता है, आपको पता है सिंगली चार्ज सल्फर आयन है, दोनों रेस्ट पे थे, सिमिलर पोटेंशियल से एक्सेलरेट करके परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड में फेंक दिया, रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो आपको पता है रेडियस यहाँ क्या होती है, √2 mk, k को लिखोगे qv, v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, इट बिकम्स √2 mv/qv2। पोटेंशियल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, 2 सेम है, तो रेडियस का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा, √m/q पे। मासेस का रेशियो गिवन है, चार्ज में अल्फा का 2x होगा एज कम्पेयर टू सल्फर, रेशियो लो, बड़े प्यार से ये आंसर निकल के आपके लिए आ रहा है, ये पूरा रूट है 64/4, √16 विच इज 4:1। अगेन ये बहुत, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन में मैं मानूंगा इसको। नेक्स्ट, ये प्यारा क्वेश्चन है, एक पतली सी रॉड है, मास एम की, लेंथ ए की, उसको एक कॉर्नर पे हिंच करके घुमा रहे हैं ओमेगा से, और दूसरे एंड से A/4 पे एक डिस्क इस तरह से फ्रीली माउंट की गई है कि वो भी घूम सकती है उसके अबाउट, ये सिचुएशन में गिवन है। अब एक आउटसाइड ऑब्जर्वर देखता है कि रॉड तो ओमेगा से घूम रही है और वो डिस्क उस पर 4 ओमेगा से घूम रही है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इस सिस्टम का पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा। भाई सबसे पहले देखिए एल क्या लिखूंगा मैं, एक तो लिखूंगा एल ऑफ सिस्टम में एल ऑफ रॉड, और एक मैं लिखूंगा एल ऑफ डिस्क। रॉड के लिए तो आसान है भाई,
अपने एंड वाले से जा रही है तो एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा, तो एम ए स्क्वायर बाय थ्री इंटू ओमेगा, ये तो एल ऑफ रॉड आ गया। यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपके लिए। अब डिस्क के लिए, डिस्क के लिए क्योंकि एक्सेस कहीं और है, खुद की एक्सेस कहीं और है, तो किसी और एक्सेस के अबाउट जब भी लिखते हैं तो एल अपने को पता है किसी और एक्सेस के अबाउट क्या लिखते हैं, एल ऑफ द सी एम प्लस एल अबाउट द एक्सेस थ्रू सी एम इंटू एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो पहले खुद के सी एम के अबाउट, खुद के सी एम के अबाउट क्या होगा, आप बोलोगे एम आर स्क्वायर बाय टू, आर की जगह ए बाय फोर लिखोगे तो एम ए स्क्वायर बाय सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू इंटू ओमेगा विच इज फोर ओमेगा। ये वाला जो फैक्टर है वो तो क्या बन गया, एम ए स्क्वायर बाय सिक्सटीन डिवाइडेड बाय टू एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू फोर ओमेगा, ठीक है। और फिर अगर सी एम देखें इसका, तो सी एम इसका कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से थ्री ए बाय फोर डिस्टेंस पे है, और इस घूमने के कारण उसकी स्पीड होगी ओमेगा आर, तो ओमेगा आर का मतलब क्या हो गया, ओमेगा इंटू थ्री ए बाय फोर, सो दैट विल बिकम एम इंटू थ्री ए बाय फोर, और वेलोसिटी भी थ्री ए बाय फोर इंटू ओमेगा। ओमेगा किसका, ये ओमेगा आएगा रॉड का, क्योंकि रॉड के फ्रेम में उसको देखना है, इस वाले फोर ओमेगा से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये आपने लिखा, यहाँ से आप सॉल्व करके पूरा लिखिए तो ये पूरा आ जाता है 49 बाय 48 एम ए स्क्वायर ओमेगा, तो 49 यहाँ पे आंसर बनना चाहिए। अगला देखिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट को रखा है लार्ज इवैक्यूएटेड हॉलो सिलेंड्रिकल कंटेनर में, ऐसे ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, कंटेनर को मेंटेन किया है जीरो केल्विन पे, यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है, इनिशियली 200 केल्विन पे था, थोड़ी देर के बाद T1 पे 100 केल्विन हुआ, T2 पे 50 केल्विन हुआ, आइडियल ब्लैक बॉडी मानते हुए आपको बताना है T2 बाय T1 का रेशियो क्या होगा। देखो भाई, यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं लगने वाला क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक लॉ से चलेंगे क्योंकि वो जीरो पे है तो उससे तो कोई हीट आ नहीं रही, तो इसका जो हीट लॉस का किसी भी टाइम पे होगा उसको क्या लिखोगे आप, सिग्मा ई ए, ई की जगह वन मान ले तो सिग्मा ए इंटू टी की पावर फोर, ये रेट ऑफ हीट लॉस है, इसको आप लिखोगे माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, तो सब कुछ कॉन्स्टेंट है, क्लियर कट आपको समझ आ रहा है, माइनस डी टी बाई डी टी वुड बी सम ए टाइम्स टी टू द पावर फोर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट अपन करेंगे तो आपको पता है कि वो जो टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन आएगा वो तो डायरेक्ट इस रिलेशन से, देखिए अगर आप चाहो तो भी मैं लिख दूँ, भले ए डी टी तो कभी भी जीरो से टी और ये टी इनिशियल से किसी भी टी पे जा रहा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपको पता है कि जो भी होता है टी की पावर नेगेटिव फोर का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/3t³ नेगेटिव में आएगा, तो इट विल बिकम 1/3t³ माइनस 1/3t इनिशियल क्यूब इक्वल टू के टी। तो जो भी ये टाइम का फैक्टर आपको पता है 1/t³ माइनस 1/t इनिशियल क्यूब, टी का मतलब टी फाइनल क्यूब माइनस 1/t इनिशियल क्यूब में आएगा, तो इसी से बस आप ये लॉजिक लगा के देख लीजिए, ये इनिशियल आपको पता ही है 200 है, तो T2 बाई T1 का रेशो यहाँ से आप निकालिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको, 50, 200, 50, 100, 200 दोनों को करिए, ये आपके सामने सोल्यूशन ये किया हुआ मेरा है और ये 9 आ रहा है। ये तो था पेपर वन, और पेपर वन यहीं पे एंड हो गया। पेपर वन यार अगर देखें तो ऐसा कोई बहुत मुझे तूफ़ानी नहीं लगा, हाँ बच्चों ने ज़रूर कहा है पेपर टू टफ था, और मैंने अभी पेपर टू नहीं किया है, अभी क्लासेस थी और अभी ये देखिए 1 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी वापस 2 बजे से क्लासेस हैं, कोशिश करूँगा शाम तक सेकेंड पेपर भी आपके लिए लेके आने की। जस्ट एक आइडिया, मतलब ये पेपर तो अभी मैनेजेबल था यार, मतलब बहुत सारी आपको दिख रहा है अप्रॉक्सीमेटली अपने को लगे हैं 28-30 से, मतलब ठीक है मैंने सॉल्व कर रखा था, बट विद इन 1 आवर इट कुड बी ईजिली मैनेजेबल। तो दिस वॉज पेपर वन, पेपर टू के साथ मिलते हैं रात में, पेपर वन का और डीपर एनालिसिस, क्या मार्क्स वगैरह बनने चाहिए थे इस पेपर में, ये भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।